जी सर, मैं जयदीप शर्मा कारपेटर्स वार्ड नंबर भाई भाजपा से हूँ और 22 नंबर वार्ड जो शास्त्री नगर का एरिया पड़ता है इसके अंदर मैं एक पार्षद के रूप में और लोगों के सेवक के रूप में यहाँ लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। सर जी, ये जो अभी इन्होंने फोर्थ क्लास नौकरी के लिए इन्होंने अभी ये बोल रहा था आपको जम्मू वाले में फोर्थ क्लास की नौकरी दी जाएगी, इसके बारे में रात को इन्होंने चेंज किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जम्मू के नौजवान बहुत खुश हैं नौकरी के लिए। इसमें ऐसा है कि जब इस प्रदेश को स्टेट से यूटी के अंदर लाया गया और यूटी के अंदर लाने से 370 और 35A का मसला जो था, जिसकी लड़ाई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और लोगों को हक दिलाने के लिए इस धारा का टूटना बहुत ज़रूरी था, उस धारा को तोड़ने के लिए इस प्रदेश को स्टेट को हमें यूटी के अंदर बदलना पड़ा। अब यूटी के अंदर बदलने से जब यूटी बना तो इसके और केंद्र की जो अपने कानून रहते हैं वो एक जैसे कानून रहते हैं, उस कानून के अंदर ये कानून भी आया। अब इस कानून के आने के बाद अच्छा कानून था, बढ़िया, ठीक, जिस तरह से कि किसी का भी हक ना मारा जाए, नौजवानों को जो पढ़े लिखे हैं उनको बराबर का हक मिले, नौकरियाँ मिलें, क्योंकि नौकरियों के ऊपर जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि 50,000 नौकरी अब जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी जल्दी दी जाएगी। अब कुछ जब कल ये रात को आया तो कुछ लोगों ने राजनीति के तौर के ऊपर, जबकि इस वक्त राजनीति करने का टाइम नहीं है कि देश के अंदर इतनी बड़ी कोरोना की महामारी फैली हुई है, तो उसके ऊपर भी राजनीति करने के लिए कि ऐसा हो गया, जबकि उसके अंदर कुछ भी गलत नहीं था कि फोर्थ क्लास की नौकरी मिलेगी, गस्ट ऑफिसर की नौकरी ख़त्म हो गई, दूसरी नौकरी ख़त्म हो गई, बड़े बड़े IAS IPS ख़त्म हो गए, ऐसा कुछ नहीं था, लोग उनकी गलतफहमी थी। उनकी गलतफहमी क्लियर करने के लिए कि इस तरह से ये लोग जो दूसरी पार्टियों से बिलोंग करते हैं और जिस तरह से धरने के ऊपर आने के लिए कोशिश करने लगे, ये वो करने लगे कि जबकि हमें इस तरह इकट्ठे नहीं होना, लॉकडाउन का समय है कि घर के अंदर रह के हमें पहले इस बीमारी से लड़ना है ताकि यहाँ महामारी ख़त्म हो, तो उस मद्देनजर रखते हुए फिर सरकार बैठी, रात को फैसला लिया गया और फैसले के अंदर काफ़ी क्लियर किया गया कि इस तरह की जो सोच और जो चीज़ें चल रही हैं ऐसा कुछ नहीं इसके अंदर, और सभी को बराबर की नौकरियाँ मिलेंगी, क्या फोर्थ क्लास का एम्प्लाइज हो, गस्ट ऑफिसर हो और ऊपर किसी की पोस्टें हों, जो पढ़ा लिखा होगा अच्छे मार्क्स लेगा, अच्छे नंबरों से होगा, और जम्मू के लोगों को इसके अंदर पूरा हक मिलेगा, कोई आदमी भी जम्मू का इग्नोर नहीं होगा, और ये रही अच्छा कानून है। और इसीलिए आज जब ये कहा गया और आज देखिए जम्मू के अंदर गांव के अंदर हर तरफ से लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। सर एक बात हो रहा है, मोदी साहब का अभी हम कल बयान सुन रहे थे, उन्होंने बोला था कल 9 बजे दिए जलाने, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बड़ा अच्छा है, जाते फैसला जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अंदर ही उन्होंने कहा था कि थाली बजाएंगे हम लोग, ये करेंगे और 5 मिनट के लिए 5 बजे हम सभी लोग करेंगे, और पूरे देश ने इसका स्वागत किया, जिस तरह से थालियाँ लेके डोल लेके जिस तरह पूरा अपने अपने घरों के अंदर पूरी तरह से आराम से रहकर लॉकडाउन करके लोगों ने इस चीज़ को किया। आप अगर प्रधानमंत्री जी ने इस विषय के ऊपर कहा, और हमारा हिंदुस्तान जैसे भी हिंदुस्तान जो है एक धार्मिक वो है, इसके अंदर हम लोग पेड़ पौधों से लेकर दरिया से लेकर परिंदों से लेकर पहाड़ों से लेकर भगवान जी को तो पूजते ही हैं, मगर किसी चीज़ को भी हम पूजे बिना नहीं रहते, इसलिए इसके अंदर भी कितनी शक्ति होगी, कोई बात होगी कि और का लाइट बंद करके हम 9 बजे ठीक 9 मिनट के लिए अपने मोबाइल से या दीपक जलाकर, और मेरा यही निवेदन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाएँ, कि दीपक जलने से एक तो बड़ी अच्छी जो ताकत होती है, जैसे भगवान की पूजा करने के अंदर हम जोत जगाते हैं, इस तरह से जब ये जलेगी तो हम लोग सभी धर्म के लोग अपने धर्मों को मानते हैं, कोई अब इसमें ना करे कि मैं उस धर्म से हूँ, इस देश को बचाने के लिए, इस देश को महामारी से मुक्त कराने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, इसका मजाक मत बनाएं, उसे पालन करें, और देखिए ये चीज़ करने से हिंदुस्तान के अंदर इसका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा।